सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपका बजट है 70,000 और आप देख रहे हैं इस रेंज में कोई लेटेस्ट और फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम 70,000 के प्राइस रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट तगड़े स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी, जिससे आप लो लाइट फोटोज लेते हैं या रील्स बनाने के लिए भी फोन का यूज करते हैं तो ये फोन बेस्ट कैमरा क्वालिटी लेके आएंगे। इसके अलावा इन फोन्स में आपको डिस्प्ले क्वालिटी और प्रोसेसर भी फ्लैगशिप मिल जाएंगे, जिससे आप मल्टीपल एप्स का भी यूज करते हैं तो आपका फोन काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है Xiaomi 14 स्मार्टफोन। दोस्तों Xiaomi का ये फोन एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, जिसमें आपको काफी तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है Qualcomm Snapdragon Gen 3 प्रोसेसर, जो कि Qualcomm का फ्लैगशिप चिपसेट है, और ये फोन अराउंड 2 मिलियन का एंड्रॉइड स्कोर लेके आता है और इसमें आप गेमिंग भी मक्खन कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियल में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और ये कैमरा सेंसर लाइका के कोलैबोरेशन के साथ मिलते हैं, जिसने इसके कैमरा डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम किया है। और फ्रंट कैमरे इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके रियर कैमरे से आप 8K में और फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.63 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट, डॉल्बी विजन और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 4610mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 90 वॉट की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 70,000 में मिल जाता है। सो नेक्स्ट फोन है नंबर 4 पर OnePlus 12 स्मार्ट। दोस्तों इस बजट में OnePlus की सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें कैमरे की क्वालिटी हो या प्रोसेसर दोनों में तगड़ा काम किया जाता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है Qualcomm का फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, जो कि Qualcomm का लेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। इसके अलावा ये फोन अराउंड 17,38,000 का एंड्रॉइड स्कोर लेके आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन अच्छा खासा होने वाला है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का LYT 808 सेंसर यूज किया गया है और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX581। इसके अलावा इसमें 4th Gen Hasselblad की कोलैब भी देखने मिलती है और फ्रंट कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.82 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और 4500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5400mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 100 वॉट की लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 69,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन। दोस्तों गूगल का ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ तो आता ही है, साथ इसमें AI के भी कई फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है गूगल का पावरफुल चिपसेट गूगल टेंसर G3, जिसमें आप डे टू डे के काम आराम से कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और फ्रंट कैमरे इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.2 इंचेस की OLED डिस्प्ले के साथ आता है और इस डिस्प्ले में आप मूवीज देखते हैं या कोई भी वीडियो कंटेंट देखते हैं, क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 2000 निट्स की मिल जाती है। और ये फोन IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 4575mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 25 वॉट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 70,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है Vivo X100 स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आपको 70,000 में कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो तो ये फोन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, जो कि MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है और गेमिंग भी इसमें आप तगड़ी कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में कैमरा जायस की कोलैब के साथ मिलते हैं और सेल्फी कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 3000 निट्स की मिल जाती है, जो कि आउटडोर में भी बहुत अच्छे से विजिबल रहने वाली है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 120 वॉट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 70,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन iPhone 15। सो दोस्तों अगर आपको 70,000 में कोई ऐसा फोन लेना हो जो कैमरे क्वालिटी बेस्ट तो लाता ही हो, साथ ही परफॉर्मेंस वाइज भी तगड़ा हो, या आपको कोई ऑलराउंडर फोन लेना हो तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है एप्पल i16 Bionic 5G चिपसेट, जो कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा
इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी वाइब्रेंट कलर लेके आती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 3349 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 20 वाट की मिल जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो ये फोन अभी भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग, 2000 निट्स ब्राइटनेस और iOS वर्जन 17 मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 67,000 में ही मिल जाता है।